नमस्ते, मैं हूं परमेश्वर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल पीआर कुमार। आज मैं विशेष बात करने वाला हूं बिहार पॉलिटेक्निक के विषय में। इसका फॉर्म आ चुका है और हमें इसे डाउनलोड करना है और इसके विषय में विस्तृत जानकारी लेना है। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। आप अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर खोल लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर का प्रयोग कर रहा हूँ। आप वहाँ पर कोई भी ब्राउजर ले सकते हैं। वहाँ पर हमने टाइप किया bcebod.bihar.gov.in और हमने एंटर कर दिया। एंटर करते ही हमारे सामने बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की वेबसाइट हमारे सामने खुल करके कुछ इस प्रकार से आ रहा है। जैसे कि हमें बिहार पॉलिटेक्निक के विषय में विस्तृत जानकारी लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म अप्लाई का लिंक ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देखते हैं प्रोस्पेक्टस डिप्लोमा वाला और लेटर एंट्री वाला दोनों 3 नंबर और 4 नंबर पे दिया गया है। हमें नोटिस बोर्ड पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। डिप्लोमा वाला ये यहाँ पे है। ऐसे मैं यहाँ पे रीड मोर कर दे रहा हूँ, अभी कर लीजिए ताकि अच्छे ढंग से सामने आ सके। सॉरी, जैसे देखिए डिप्लोमा वाला DCECE। बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर DCECE PE PPE PM PMD 2020। और इस पर हमने क्लिक किया और ये डाउनलोड हो के हमारे सामने आने वाला है। डाउनलोड हो रहा है, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज तो नहीं करूँगा। आ गया, डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होकर के हमारे सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसे आ गया। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद और यहाँ पे जगह का नाम दिया गया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020, मतलब पॉलिटेक्निक जिसको इंजीनियरिंग कहा जाता है, फॉल टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल जो इंटरमीडिएट स्तर पे है और पैरामेडिकल डेंटल माध्यमिक स्तर पे है, ठीक है। और नंबर एक पे लिखा गया है निम्नलिखित पाठ्यक्रम समूहों में नामांकन हेतु आयोजन की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCECE 2020 में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। मतलब ये चार जो है ना, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम PE कहा जाता है और पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह PPE कहा जाता है, पैरामेडिकल के लिए PM कहा जाता है और पैरामेडिकल डेंटल जो माध्यमिक स्तर का है PMD कहा जाता है। आशा करूँ आप समझ गए होंगे पॉलिटेक्निक यानी अभियंत्रण एवं पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यता संबंधित अभा 37 के बंधे लागू होगा। पैरामेडिकल यानी PM इंटरमीडिएट स्तरीय जो है ये एग्जाम होने वाला है। नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अहर्ता संबंधी नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के बंदे लागू होगा। ये सब कुछ अपना टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं लोग। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रारंभिक तिथि 18/3/2020 से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम तिथि 17/4/2020 तक अंतिम तिथि रखी गई है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCECE यानी PE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कहा जा सकता है और PPE पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण है और PM पैरामेडिकल है और ये है पैरामेडिकल डेंटल 2020 निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की जाएगी। PE और PPE का एग्ज़ाम होगा 9/5/2020 को और PM और PMD का एग्ज़ाम होगा 10/5/2020 को। और बाकी जो 4 नंबर पॉइंट दिया गया है पार्षद के वेबसाइट www कह सकते हैं, वेबसाइट bcecbod.bihar.gov.in पर DCEC 2020 की उपलब्ध
विवरण पुस्तिका में अभ्यर्थियों के लिए अर्हता योग्यता संस्थान पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत विवरण एवं आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है। आगे हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने इसको क्लोज कर दिया और सेकंड वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ। सेकंड वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोडिंग हो करके हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है और इसमें एक एक करके पूरी अच्छे तरह से विस्तृत जानकारी दी गई है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करना है। तो सीधे सीधे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि फॉर्म अप्लाई 18 से स्टार्ट होगा, 18 तारीख से, और आज कौन सा तारीख है, 18 मार्च है, आज ही से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। कितना पैसा लगेगा मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर जो जनरल है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, कह सकते हैं जनरल बीसी ओबीसी 750 रुपये एक कोई पाठ्यक्रम चुनेंगे उनके लिए, और दोनों चुनेंगे उनके लिए 850, तीन चुनेंगे तो 950, और चारों चुनेंगे तो 1150 लगेगा। दूसरी तरफ SC ST के लिए 400, SC ST और DQ कोटा के लिए 480 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए, एक पाठ्यक्रम के लिए 530 रुपया, दो पाठ्यक्रम के लिए SC ST और DQ कोटा के लिए तीन पाठ्यक्रम जब चुनेंगे उनके लिए 650 रुपये लगेगा। SC ST और DQ कोटा के लिए 730 रुपये लगेगा जब वो चारों पाठ्यक्रम चुनेंगे। फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई का मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अगले दिन मैं अपलोड कर दूँगा। बात कर लूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 18/3/2020 से हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट होगा 17/4/2020 11:59 PM, यानी 12 बजे रात तक कह सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फ्रॉम ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, उनके लिए बैंकिंग आवर तक 18/4/2020 तक ही वैलिड है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए 19/4/2020 तक वैलिड है, मान्य है। आयकर ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म 20/4/2020 से 23/4/2020 के बीच खुलेगा, इसे गलती हुआ होगा तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इश्यू होगा 30/4/2020 को और एग्ज़ाम डेट 9/5/2020 को होगा PE एवं PPE का, और 10/5/2020 को PM और PMD का होगा, पैरामेडिकल एवं पैरामेडिकल डेंटल का होगा। बात कर ले आयु सीमा, तो पॉलिटेक्निक अभियंत्रण के लिए माध्यमिक स्तरीय यानी 10वीं क्लास पाठ्यक्रम समूहों के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण यानी PPE पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की आयु 1/7/2020 को मिनिमम 19 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 19 वर्ष होना चाहिए। पैरामेडिकल डेंटल के लिए माध्यमिक स्तरीय समूह के लिए दिनांक 31/12/2020 को आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष हो जानी चाहिए या होनी चाहिए। पैरामेडिकल है तो इंटरमीडिएट स्तर का ये पाठ्यक्रम है। इन समूहों के अंतर्गत GNM नर्सिंग ग्रेड ए नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2020 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष या अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी होगी। ANM नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए भी न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष निर्धारित है। इस पाठ्यक्रम समूह के अन्य पाठ्यक्रमों के लिए दिनांक 31/12/2020 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक एवं आवासीय अर्हताओं एवं अन्य नियमों शर्तों के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCEC 2020 की विवरण पुस्तिका यानी प्रोस्पेक्टस बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड है, आप उन्हें एक एक करके देख सकते हैं। रही बात प्रोस्पेक्टस की, तो मैं एक बार और बता दूं, एक इसको मैं बैक कर रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं ये है
तीन नंबर पे ये डिप्लोमा वाला प्रोपेक्टस है, इसको आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। अगर